हेलो वेलकम बैक टू द चैनल तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज हमने क्या स्ट्रेटजी डिप्लॉय करी है ठीक है फॉर ट्वेंटी जैन एक्सपायरी तो अगर हम बात करें हमने क्या करा आज हमने एक ट्रेड ली है एट अराउंड टेन थर्टी ठीक तो हमने क्या करा हमने आज एटीन थ्री हंड्रेड का एक स्ट्रैडल फॉर्म करा क्या फॉर्म करा स्ट्रैडल ठीक अब स्ट्रैडल क्या होता है सबको पता है ठीक है एट मनी

हमारा एटीन थ्री हंड्रेड आ रहा था ठीक और हमने ओपन इंटरेस्ट भी चेक करा था कि एटीन थ्री हंड्रेड पर कॉल्स एंड पुट्स भी दोनों मतलब ठीक ठीक बिल्डअप था करेक्ट तो हमने क्या करा हमने एक स्टैंडल फॉर्म करा एटीन थ्री हंड्रेड पे और उसको चलने दिया स्टार्टिंग में तो कोई डीके नहीं था ठीक स्टैंडल चलता रहा चलता रहा चलता रहा हमारा उसके बाद क्या हुआ अराउंड थ्री अराउंड थ्री ओ क्लॉक हमने क्या करा हमने अपनी ट्रेड को लाइक uh, पोजिशनली like, मैंने सोचा था कि उसको ट्वेंटी जनवरी uh, के लिए कंटिन्यू करूंगा तो मैंने क्या करा मैंने कुछ नहीं करा मैंने उसके हेजेस बाय कर लिए ठीक है और मैंने अपने स्टेडल को आयरन फ्लाई बना दिया क्या बना दिया आयरन फ्लाई तो देखो एटीन थ्री हंड्रेड का मेरे पास स्टेडल था ठीक है तो अराउंड थ्री ओ क्लाक मैंने कुछ नहीं करा मैंने उसके हेजेस बाय कर लिए क्यों मैंने हेजेस क्यों बाय करें क्योंकि आजकल गैप डाउन और गैप अप बहुत चल रहे हैं ठीक है और मेरे को ट्रेड लेके जानी है ट्वेंटी जन तक ठीक तो मैंने ऑन अ सेफर साइड क्या करा मैंने हेजेस बाय कर लिया इसके अब मेरा डाउन साइड और अप साइड दोनों से रिस्क डिफाइन हो गया तो गैप अप और गैप डाउन हो गया तो मेरे कोई टेंशन नहीं दोनों तरफ मेरे रिस्क डिफाइन है ठीक अच्छा कि ट्रेड ने क्लोजिंग का दी है ट्रेड ने क्लोजिंग हमारी दी है एटीन थ्री हंड्रेड का अराउंड ही दी है यानी मार्केट इधर ही घूमता रहा आज इधर ही घूमता रहा ठीक है इतनी बात समझ में और हम कितने प्रॉफिट में साढ़े तीन सौ रुपये के प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं करेक्ट है ठीक अब हमारी क्या स्ट्रेटजी है जरा ढंग से सुनना स्ट्रेटजी क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि इसको हमें कैसे लेके जाना है देखो तो मैं आपको हर बार बताता हूं कि हूँजी तो एक नाव है और नाव को लेके आप समुद्र में चले गए ठीक है तो आपको चलानी भी तो आनी चाहिए नाव करेक्ट तभी तो आप समुद्र से बाहर निकल पाओगे तो मार्केट इज लाइक अ समुद्र सी ठीक है और आपके पास नाव है आपकी स्ट्रेटेजी आपको क्या करना पड़ेगा उसको चलाना पड़ेगा तो हमें स्ट्रेटेजी को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा आप तो जरा ढंग से सुनिएगा बात को मैं कह रहा हूँ कि हमने ये आयरन फ्लाई तो बना दी और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मार्केट ने हमें यही क्लोजिंग दी तो हमारे पास इस साइड भी अच्छा खासा मार्जिन है इस साइड भी अच्छा खासा मार्जिन है तो हो सकता है अगर कल कल मैं इसको ऐसे ही चलने दूँ स्ट्रेट को ठीक है क्योंकि देखो ब्लू लाइन हमारी थोड़ी अंदर आ गई है तो हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा हम साइकोलॉजिकली स्टेबल रहेंगे ठीक है तो हो सकता है गलत डिसीजन ना लें अब अब क्या करें सपोजिटली मान लो मार्केट यहाँ पे आ जाता है थोड़ा और आगे आ जाता है तो हम कुछ नहीं करेंगे हम अपना एक कॉल

तो इधर साइड मार्जिन रहेगा और इधर साइड हमने क्या बना दिया पुट डेबिट स्प्रेड सिमिलरली अगर मार्केट यहाँ पे आ गया ठीक तो इधर की साइड हमारे पास मार्जिन रहेगा इधर हम क्या बना लेंगे अपना कॉल डेबिट स्प्रेड बना लेंगे ठीक तो हमारे पास टाइम है अभी ठीक है हमारे पास टाइम है आज कितनी है आज सेवनटीन है आज कितनी है हाँ सेवनटीन जेन है ठीक तो सेवनटीन जेन के बाद तो पूरी तो निकली गई है अब हमारे पास एटीन रह गई और नाइनटीन रह गए बस ये दो दिन हमें ठीक से चलाने हैं ठीक है ये दो दिन अगर हमने ठीक से चला लिया तो लास्ट दिन तो ही लेंगे डोंट वरी ठीक है तो अब देखते हैं बस कल मार्केट थोड़ा मूवमेंट अपना ठीक रखे ठीक है ज्यादा मूव ना करे इधर ही रहे हमारे ब्रेक इवन ब्रेक इवन के अंदर ही अंदर रहे ठीक है तो हमें कोई इशू नहीं होगा बट अगर मेरे ब्रेक इवन के क्लोज आ गया ठीक है मेरे को दिखा कि अपसाइड मूव दे रहा है तो मैं बनाऊंगा एक कॉल डेबिट स्प्रेड ठीक है विद आयरन फ्लाई आयरन फ्लाई तो हमारी रहेगी रहेगी यहाँ पे ठीक है उसके साथ हम क्या बनाएंगे कॉल डेबिट स्प्रेड और अगर मार्केट नीचे की साइड जाता है तो हम क्या बनाएंगे एक पुट डेबिट स्प्रेड करेक्ट है बात समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं ठीक है ठीके? तो हमारे पास अभी दो दिन है एटीन और नाइनटीन हमें पहले अपनी आयरन फ्लाई को ठीक से चलाना है कल अगर आयरन फ्लाई ठीक से चली और दोबारा मार्केट ने आसपास ही क्लोजिंग दी तो मैं नहीं बनाने वाला जब तक मेरे ब्रेक इवन के पास नहीं आएगा ब्रेक इवन के पास तब तक मैं डेबिट स्प्रेड्स नहीं बनाऊंगा ठीक है तो ये हमारी स्ट्रैटेजी और लगभग हम कोशिश कर रहे हैं लास्ट टाइम भी हमने लास्ट टाइम लास्ट वीक भी हमने यही स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करी थी और हमने फाइव थाउजेंड मार्केट से निकाल लिए थे ठीक है तो इस बार भी हमारी क्या है हमारी यही एक्सपेक्टेशन है लगभग इस बार मैं चाहता हूँ कि सिक्सटी फाइव हंड्रेड के अराउंड हम इस स्टेट से निकाले क्योंकि हमारा आयरन फ्लाई कितनी दे रही है आयरन फ्लाई सेवेंटी टू हंड्रेड देगी हमें ठीक है उसके बाद कॉल डेबिट स्ट्रेट बनेगा तो लगभग कहीं ना कहीं हम एस्टिमेट लेके चल रहा हूँ कि हम सिक्सटी फाइव हंड्रेड तक निकाल लेंगे अच्छा पिछली बार हमने क्या करा था लास्ट टाइम स्ट्रैटी स्ट्रेटजी को ट्यूजडे को डिप्लॉय करा था इस बार हमने थोड़ा सा पहले डिप्लॉय कर दिया तो हमें प्रीमियम थोड़े ज्यादा मिल गए तो हमारी रेंज थोड़ी ज्यादा आ गई है ठीक आयरन फ्लाई की तो अगर आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो लेना है इसका ठीक है तो आप क्या करो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लो ठीक है मैं यहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें बताता रहूंगा ठीक है ना मतलब रियल टाइम के अंदर अपडेट देता रहूंगा इस के अंदर क्या चल रहा है ठीक है Thank you.